दोस्तों अभी घर की तरफ जब निकल रहे हैं, सामने एक सूर्य टेम्पल है, तो रास्ते में आपको वो भी दिखाऊंगा कि सूर्य टेम्पल कहाँ पे और किस तरीके से आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। जब हम रांची से निकले थे तो वहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे ये सूर्य टेम्पल पड़ता है, लेकिन जहाँ पे अभी हूँ तो यहाँ से बस कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, जो कि 10-15 मिनट में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आगे आपको दिखाएंगे। अभी पूरा परिवार मेरे साथ है, भैया, मम्मी, दादा ओहो मैडम बाहर जूता खोलना पड़ेगा, उसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा देखेंगे। वैसे तो आज सूर्य टेम्पल बंद रहता है, शनिवार का दिन है। तिम्रो मार्दैनौ प्यान्ट छ तिम्रो पनि, तिम्रो पकेटमा राख त चुपचापले। सजिलो है त्यो पनि मैले हेरेँ भने। बुझ्नु पायो आज फोटो चाहिँ खिच्नुको लागि ठिकै छ, आमा
जो ये थोड़ी जो ये था सदा ये था जो उतार जो अपनी यहाँ बस लो फोटो फोटो खींचो ये थे लोग तो चलो भीतर फोटो खींचने को मना था आज कपड़ बन सदा वो बता अब जो फसो दस है कता छ सरी पूरे फेस्टिवल का हम लोग परिक्रमा करेंगे और पीछे से आगे से सारा कुछ देखेंगे कि किस तरह का बना हुआ है। वैसे तो बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा यहाँ परिसर को रखा गया है। तो सही लगा तो दोस्तों मंदिर का निर्माण एक विशाल रथ के रूप में किया गया है और जिसके दोनों और 9x9 पहिए लगे हुए हैं, जिसके साथ ही रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े बहुत शक्तिशाली घोड़े जो दिख रहे हैं प्रतीत हो रहे हैं वो रथ को खींच रहे हैं ऐसा आपको प्रतीत होगा। और साथ ही मंदिर के अंदर शिव पार्वती और गणेश की भी मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की शिल्प कला इस प्रकार से की गई है कि सूरज की किरणें सीधे मंदिर के खिड़कियों से भीतर प्रवेश करती है, जिससे भीतर एक अद्भुत अनुभूति होती है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। कहा जाता है कि एक बार सीताराम जी टाटा जाने के काम से सूर्य मंदिर के पास एक ढाबे में रुके तो उनकी मुलाकात एकाएक बूंदे सिंह के जमींदार सिंह मुंडा जी से हुई। तभी बात बात में प्रधान सिंह मुंडा जी ने कहा कि वह अपनी जमीन मंदिर के लिए दान करना चाहते हैं। तो सीताराम जी ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, चिंता मत करे, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, और वहां से चले गए। और कुछ दिन बाद प्रधान सिंह मुंडा जी ने मंदिर के नाम पर 15 एकड़ जमीन दान की और फिर रांची के प्रधान निर्देशक सीताराम मारू जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विचार रांची द्वारा एक मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर का आधारशिला 24 अक्टूबर 1991 में स्वामी श्री वासुदेव नंद सरस्वती जी ने रखी थी और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 10 जुलाई 1994 को स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने पूरी की थी। सूर्य मंदिर के नीचे स्थित भास्कर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का एक छात्रावास भी है और यहाँ बहुत सारे छात्र रहते भी है। और सूर्य मंदिर परिसर में एक स्कूल भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। और कुछ दोस्तों को बता दें यहाँ पे एक मेले का भी आयोजित किया जाता है। बुंडू सूर्य मंदिर के हम जो हर साल 25 और 26 जनवरी को ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक रूप से पारंपरिक रूप से मेला लगाया जाता है, जिसमें आपको रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल होने वाले कई चीजें मिल जाते हैं मेले में या आपको मिल जाता है। और जो इसका 2 दिन और जो विशेष चीजें मुझे लगा वो है कि इस सूर्य मंदिर के पास एक तालाब भी है
और इस तालाब का इस्तेमाल छठ पूजा पर्व के दौरान सूर्य जी का जो अर्घ दिया जाता है उसके लिए काम में लिया जाता है। और साथ ही छठ पूजा में काफी भीड़ होती है। इस जो मंदिर का तालाब है वो भी भीड़ भाड़ रहता है और मंदिर भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ ही रहता है। अब कुछ दोस्त पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, तो नॉर्मल तौर से आप यहाँ से बस ले सकते हैं, टाटा रांची दोनों जगह से आपको बस मिल जाएगा, लेकिन हाईवे में आपको उतार दिया जाएगा। और हाईवे जो है वो वहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी है, ये भीतर की तरफ है। तो रांची से इसका दूरी करीब 40 किलोमीटर है और टाटा नगर से इसका जो दूरी है वो है 86 किलोमीटर। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप चाहे तो दशम फल भी जा सकते हैं, सूर्य मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है, और माँ देवरी मंदिर भी जा सकते हैं जो कि सूर्य मंदिर से बस 23 किलोमीटर दूर है, और ये भी रास्ते में ही आपको स्थित है जो कि रांची में ही आपको पड़ता है। तो ये 2-3 ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करना चाहिए। हालांकि यहाँ से 2 जगह तो मैंने ऑलरेडी विजिट कर रखा है, अगर आप कमेंट में और बोलोगे तो आपको देवरी मंदिर का भी एक ब्लॉग वीडियो और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगा और आप इंजॉय कीजिए व्लॉग को, और ये थोड़ा पार्ट था इंफॉर्मेटिव और बाकी पार्ट रहेगा व्लॉग का। तो दोस्तों अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि एज पर अगर देखा जाएगा प्रोफेशनली मैं जॉब होल्डर हूँ, तो वैकेशन या छुट्टियों में घूमने निकल जाता हूँ अपने फैमिली के साथ, छोटा मोटा टूर्स एंड ट्रैवल्स करते रहता हूँ, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है उदेश डायरी, क्योंकि डायरी में जो आपका जर्नल है उसको आप फुलफिल कर सकते हो, आप भर सकते हो। और बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में, इंजॉय द वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव आपको नॉलेज दिया, आपको शायद ये चीज़ें बताओ होंगी या नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर यहाँ पे आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोग चलने के बाद थोड़ा सा थक गए, तो हम लोग ने सबसे बेस्ट यही सोचा कि नारियल पानी पिया जाए, क्योंकि नारियल पानी डिहाइड्रेट रखने में बहुत कारगर है, और क्योंकि मौसम भी बहुत कड़ाके की धूप था। हालांकि ये जो वीडियो था वो हम लोग 5 मार्च में गए थे जब, तो हम लोग ने शूट किया था, और यहाँ पे हम लोग ने वो नारियल पानी जो था पी लिया, और उसके बाद हम लोग बस आगे चलते गए, तो वहाँ पे एक माउंटेन दिखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो उसको मैंने माउंट करके आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। और इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद वाले वीडियोस जो है वो बहुत ही और आने वाले मतलब इंटरेस्टिंग रहेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा जो चैनल ही है वो डायरी है, डायरी में आपको पता ही होगा हम लोग अपना जर्नी लिखते हैं, कहाँ गए, क्या करें, तो क्या क्या किया, किन लोगों से मिले, तो इसी टाइप का मेरा ये चैनल है, ब्लॉग लाइफस्टाइल और जस्ट बी काइंड नेचर। बस बाय जुमला सूर्य टेंपल। क्या 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 आज सूर्य टेंपल का विजिट भी हो गया, अब निकलेंगे घर की तरफ। फिर दादा यार, फिर पाथा नहीं, पाथा नहीं, पाथा नहीं। हाँ माँ।